बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात असम की बाढ़ की। असम में आई बाढ़ से 33 जिलों के करीब 9.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने दिमा हासो के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने में लगी हुई है। असम में बारिश और बाढ़ ने राज्य के कई जिलों में कहर बरपाया है। बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई जिलों में चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। दिमा हसाओ जिले में हालात काफी खराब हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्व सरमा ने दिमा हसाओ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्य के कई जिलों में लोगों के घर अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो घर छुट्टियां मनाने आए थे लेकिन बाढ़ की वजह से वो फंस गए। अभी फिलहाल बहुत बड़ी परिस्थिति बनी हुई है, तो अभी मैं आर्मी में हूँ, तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं टिकट भी कर दिया था, मैं जाना पड़ेगा। असम में नगांव, दिमा हसाओ समेत कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के इलाकों में रहने वालों की है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को राहत पहुंचा रही है। कई जिलों में लोगों को खाने के सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन कई जगहों पर राहत सामग्री पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। 3 दिन से आदमी लोगों को खाना नहीं मिला था, उसको हम लेके जा रहा हूं, लेकिन जाने में रास्ते में बहुत समस्या है। असम में आई बाढ़ से राज्य के 33 जिलों के 9.5 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हैं। कई जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं। असम के 2000 से अधिक गांव अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं, वहीं काफी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।